करनाल नगर निगम के नव निर्वाचित सीनियर डिप्टी मेयर राजेश अग्गी एवं डिप्टी मेयर नवीन कुमार द्वारा अपना कार्यभार संभाला गया। इस अवसर पर दोनों का फूल मालाओं से स्वागत किया गया। इस दौरान पूर्व जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी जगमोहन आनंद ने शुभकामनाएं देते हुए कहा कि करनाल में सीनियर डिप्टी मेयर एवं डिप्टी मेयर का चुनाव सर्वसम्मति से किया गया, जो सराहनीय है। उन्होंने कहा कि इन दोनों के चुने जाने से नगर निगम में और विकास कार्यों में तेजी आएगी। गौरतलब है कि पिछले काफी अरसे से करनाल नगर निगम के सीनियर डिप्टी मेयर व डिप्टी मेयर के चुनाव लंबित चल रहे थे, परंतु अब इनके चुने जाने पर शहर में चल रहे विकास कार्यों को और गति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। पदभार संभालने के बाद दोनों ने करनाल में रेणु बाला गुप्ता व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का आभार व्यक्त किया। इस मौके पर पूर्व पार्षद भगवान दास के अलावा अन्य भारतीय जनता पार्टी के नेता व नगर निगम के पार्षद भी मौजूद रहे। मैं दोनों नवनियुक्त सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर राजेश जी को और नवीन जी को आज करनाल जिला भारतीय जनता पार्टी की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी जो करनाल से विधायक हैं श्री मनोहर जी की तरफ से, करनाल सांसद श्री संजय भाटिया जी की तरफ से और सभी पार्षद भाई जिन्होंने एक सहमति बना करके और दोनों हमारे पार्षद भाइयों को इस पद पर आसीन किया है, उनका भी मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं कि उन्होंने एक जो जिस पार्टी जिस हमारी जिस बात के लिए जानी जाती है अनुशासित पार्टी होने के नाते उन्होंने एक प्रकार का वो परिचय दिया और आज ये दोनों नियुक्तियां यहां पर हुई। दोनों नवनियुक्त हमारे अपना जो सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर ने आज यहाँ पर अपना पद ग्रहण किया है, इनको बहुत बहुत शुभकामनाएँ। ईमानदारी के साथ सबको साथ विकास लेकर के ये लोग चलेंगे, सभी पार्षद भाइयों को साथ लेकर के चले, यही इनसे अपेक्षा है। शहर का एक विशाल जिस प्रकार से इतना पैसा ऊपर से आ रहा है नगर निगम के लिए, करनाल के विकास के लिए, ईमानदारी के साथ जनता की सेवा में ये दोनों भाई हमारी मेयर बहन के साथ मिलकर अपना सहयोग करेंगे, सभी पार्षदों को साथ लेंगे और सभी वार्डों में एक समान विकास हो, उस पथ पर चलते हुए इनको मैं अपनी ओर से पार्टी की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री जी जिन्होंने हमें अपना प्यार और अपना इतना आशीर्वाद दिया है और हमारे ऊपर जो विश्वास जो भरोसा उन्होंने जताया है, मैं सबसे पहले उनको ये विश्वास दिलाता हूँ कि हम अपना काम पूरी ईमानदारी से पूरी निष्ठा से और अपने कर्तव्य को अच्छे से निभाएंगे। शहर के विकास कार्य जो जहाँ भी रुके हुए हैं या चल रहे हैं, जहाँ पे भी कोई भी समस्या होगी उसके लिए हम 24 घंटे तैयार रहेंगे। मैं अपने सांसद जी का, अपने प्रतिनिधि संजय बटला जी का, हमारे जिलाध्यक्ष जी का, हमारे पूर्व में जिलाध्यक्ष रहे जगमोहन जी का और अपने मेयर मैडम का और अपने सभी पार्षद भाइयों बहनों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने सर्वसम्मति से हमें चुना और हमें अपना प्यार दिया। मैं पुनः सारे शहर को विश्वास दिलाता हूं कि हम अपना कार्य पूरी ईमानदारी से पूरी निष्ठा से और दिन रात एक करके शहर के हर विकास कार्य में पुनः पूरा सहयोग करेंगे। जय हिंद जय भारत। तो क्या संदेश देना चाहेंगे और अपनी जिम्मेदारी के प्रति क्या बताना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी का, हमारे सांसद संजय भाटिया जी का, अपने पूर्व में जिलाध्यक्ष रहे जगमोहन आनंद जी का, नए जिलाध्यक्ष योगेंद्र राणा जी का, सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और अपने सारे पार्षद भाइयों का साथ धन्यवाद करता हूँ। मेयर मैडम का धन्यवाद करता हूँ जिनके सर्वसहमति से हमें दोनों को अपने सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के लिए चुना और मैं अपने करनाल की जनता को पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि पूरी ईमानदारी से सच्ची निष्ठा से और 24 घंटे हम करनाल की जनता के लिए की सेवा के लिए तत्पर खड़े हैं। सबसे पहले अपने वार्ड के निवासियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने जो अपने अजीज अपने भाई अपने बेटे को पार्षद चुना, तभी सभी मेरे करनाल शहर के 20 के 20 पार्षदों ने सर्वसम्मति से जो है इनको वरिष्ठ उपमहापौर और राजेश अग्गी वरिष्ठ उपमहापौर और नवीन जी को उप महापौर चुना है। इसके लिए मैं सभी पार्षदों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के सभी कर्मठ निष्ठावान नेताओं व सदस्यों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और आदरणीय जोगिंदर राणा जी, हमारे करनाल के सांसद भाई संजय भाटिया जी, जगमोहन आनंद जी व सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने प्यार दिया है और करनाल शहर की पूरी जनता को मैं विश्वास दिलाता हूँ जिस
प्यार से हमें आप 35 साल से यहाँ चुनते आए हैं, आपको किसी भी किस्म की कोई शिकायत नहीं मिलेगी। पूरे करनाल में बिना भेदभाव के जो है ये दोनों और मेयर मैडम से मिल के जो है इस कार्य करेंगे, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय भारतीय जनता पार्टी। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.